अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, तो कैसे आप सब लोग। तो व्यूवर्स, फाइनली हमने बब्बन खाला की बेटियों के सीज़न 2 का एपिसोड 2 लेकर आ चुके हैं। तो व्यूवर्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल के आइकन को दबा लो ताकि आप हमारी डेली अपडेट मिस ना कर सको। तो व्यूवर्स, अभी तक आप लोगों ने ये वाला प्रोमो नहीं देखा इस वीडियो का, तो जल्दी से जाकर देख लें। और व्यूवर्स, अभी तक आप लोगों ने ये वाला फुल एपिसोड नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लें। और व्यूवर्स, ये वाला भी आप लोग जाकर वीडियो ज़रूर देखिएगा। इन तीनों का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो व्यूवर्स, आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिलने वाला है कि व्यूवर्स, जो नजमा आंटी होती हैं व्यूवर्स, वो यहाँ पे मुन्ना के साथ बात कर रही होती हैं। और व्यूवर्स, जो मुन्ना है वो अपनी बीवी का गुलाम हो चुका है। और व्यूवर्स, नजमा आंटी ऐसा जैसा ही कहती हैं तो व्यूवर्स जो होती हैं मम्मी व्यूवर्स, वो गुस्से में आ जाती है। और व्यूवर्स, यहाँ पर जो होती है नजमा आंटी व्यूवर्स, वो यहाँ पर लगाने नहीं देती मम्मी को अपनी तस्वीर। और व्यूवर्स, ये वहाँ से लड़के चली जाती है। और व्यूवर्स, यहाँ से वो बताती है अपनी बहन को, तो व्यूवर्स यहाँ पे बबली को बताती है और बबली भी उसे चुप कराकर वहाँ से चली जाती है। व्यूवर्स, आप लोगों को दूसरी तरफ देखने को ये मिलने वाला है कि व्यूवर्स जो होती है बिल्लो व्यूवर्स, वो उसका रिश्ता मांग लेते हैं व्यूवर्स कासम के घर वाले। और व्यूवर्स, वो कहते हैं कि हमें रिश्ता दे दो। और लेकिन जो व्यूवर्स होती है बिल्लो व्यूवर्स, वो इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं होती व्यूवर्स। वो कहती है मैं नहीं करना चाहती। और व्यूवर्स, वो ना कर देती है व्यूवर्स, वो साफ साफ ना कर देती है। लेकिन व्यूवर्स जो होती है रुकैया व्यूवर्स, वो जाती है भाई साहब के पास, बशारत खालू के पास, और उन्हें समझाती है। लेकिन व्यूवर्स जो होते हैं बशारत खालू व्यूवर्स, वो भी साफ साफ मना कर देते हैं कि नहीं, हम उसकी शादी इसके साथ नहीं करवा सकते। और व्यूवर्स, जब ये बात सुनता है कासिम, तो व्यूवर्स वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं इन लोगों से बदला लेकर रहूँगा। व्यूवर्स, आप लोगों को दूसरी जानब देखने को मिलने वाला है कि व्यूवर्स, जब बबली होती है व्यूवर्स, वो पप्पू के साथ लड़ती रहती है छोटी छोटी बात, दोनों के नोक झोंक से व्यूवर्स ये लोग लड़ते रहते हैं हर वक्त। और व्यूवर्स, यहाँ पे पप्पू को ही मनाने जाना पड़ता है बबली को। लेकिन व्यूवर्स, जो बबली होती है वो तो कहती है नहीं, मैं तो मानूंगी नहीं किसी बात पर भी। और व्यूवर्स, बबली वहाँ से निकलने की करती है। लेकिन व्यूवर्स, जो पप्पू होता है व्यूवर्स, वो भी जान नहीं छोड़ने वाला। और व्यूवर्स, वो उसे मनाने की कोशिश करता है कि तुम मान। तो व्यूवर्स, जो बबली होती है व्यूवर्स, वो मान जाती है। और व्यूवर्स, आप लोगों को दूसरी जानब देखने को मिलने वाला है व्यूवर्स, यहाँ पे जो जहदा होती है व्यूवर्स, उसने भी किया हुआ है डोली के नाक में दम। और व्यूवर्स, जो डोली होती है वो भी इन दोनों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है व्यूवर्स। और इनका जो छोटा बच्चा है व्यूवर्स, उसकी वजह से भी परेशान हो जाती है। जब भी कहीं पे भी ये मिलती है उसे जहदा, उसे काम और कहती है तुम हर वक्त फ़ोन पर लगी हुई हो। और व्यूवर्स, वहाँ पे जो होती है डोली व्यूवर्स, वो नाराज़ होकर चली जाती है घर। और व्यूवर्स, यहाँ पे जो होता है असद व्यूवर्स, उसे जब पता चलता है तो व्यूवर्स वो आ जाता है उनके घर। और व्यूवर्स, वो कहता है के चलते हैं हम अपने घर। और व्यूवर्स, वहाँ पर वो बैठ कर वो जो डोली का इंतज़ार करता है। लेकिन व्यूवर्स, डोली नहीं आती। और व्यूवर्स, ये बात जब पता चलती है बब्बन खाला को, तो व्यूवर्स, जो बब्बन खाला होती हैं व्यूवर्स, वो डोली को समझाती हैं कि असद आया था, तुम क्यों नहीं गई, तुम्हें जाना चाहिए था, कुछ नहीं होता ये छोटी मोटी नोक झोंक से। और व्यूवर्स, जो होती है डोली व्यूवर्स, वो मान जाती है। और व्यूवर्स, असद के साथ हंसी खुशी चली जाती है वहाँ से। तो व्यूवर्स, आप लोगों को दूसरी जनब देखने को मिलने वाला है कि व्यूवर्स जो होती है बब्बन खाला व्यूवर्स, वो बशारत खालू के साथ बात डिस्कस करती है कि हमें क्या करना चाहिए, बिल्लों का रिश्ता करवाना चाहिए। तो व्यूवर्स, जो होता है बशारत खालू, वो कहते हैं हाँ हमें करवाना चाहिए रिश्ता। लेकिन व्यूवर्स, जो होता है बशारत खालू व्यूवर्स, वो पहले तो कहता है ठीक है, लेकिन फिर वो कहता है नहीं, अभी बिल्लो इस बात से तैयार नहीं है। और व्यूवर्स, यहाँ पे जो होते हैं बशारत खालू व्यूवर्स, उन्हें भी बहुत ज़्यादा सदमा लगता है अपनी बेटी की वजह से, क्योंकि व्यूवर्स उसकी शादी करवाना चाहते हैं।
और व्यूवर्स दूसरी जनब आप लोगों को देखने को मिलने वाला है कि व्यूवर्स यहाँ पे जो गुड्डू होता है व्यूवर्स वो अपनी अम्मी को मनाता है, यानी कि नजमा आंटी को मनाता है इस बात के लिए कि आप चलें और बतूल को मना कर लाते हैं। जब वो शादी से यहाँ से गई थी तब से वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा नाराज़ है। तो व्यूवर्स वो ऐसा करते हैं, बब्बन खाला पहले तो नहीं मानती फिर मान जाती हैं और व्यूवर्स यहाँ पे बतूल के घर जाते हैं और व्यूवर्स यहाँ पे बतूल को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन व्यूवर्स बतूल नहीं मानती और वो कहता है कि अगर तुम चलना चाहती हो तो ठीक, नहीं तो फिर मैं जा रहा हूँ। और व्यूवर्स ये बात सुनती है जब इसकी सास और व्यूवर्स वो कहती है, यानी कि बतूल की अम्मी व्यूवर्स वो कहती है कि नहीं, तुम उसे कहती है तुम बेटा जाओ, ये आती है और व्यूवर्स वो कहती है कि तुम क्यों नहीं जा रही, जल्दी से इसके साथ जाओ, और व्यूवर्स वो बतूल वहाँ से चली जाती है। व्यूवर्स यहाँ पे जो नजमा आंटी होती हैं वो इसे एक्सेप्ट कर लेती हैं और व्यूवर्स दूसरी जनब, जैसा कि आप लोगों को पता है कि व्यूवर्स जो मुन्ना की दूसरी बीवी है, यानी कि व्यूवर्स उसकी जो बीवी है जो बाहर से आई थी, लेकिन व्यूवर्स वो भी इसे छोड़कर खुद ब खुद चली जाती है। यहाँ पे जब मम्मी आ जाती है घर में, और व्यूवर्स आप लोगों को जैसा कि पता है कि मम्मी के पास एक बेटी है जिसका नाम इशरत है, और व्यूवर्स ये जब वो बात सुनती है तो व्यूवर्स वो कहती है इस घर में मेरा कोई काम नहीं, तो व्यूवर्स वो तलाक लेकर चली जाती है। और यहाँ पे जो होता है जहदा का जो भी भांजा लगता है, जो भी लगता है, व्यूवर्स वो ऐसा करती है, व्यूवर्स उसको कहती है कि तुम यहाँ रहने आ जाओ, लेकिन व्यूवर्स वो नहीं आता और व्यूवर्स वो उस घर को दबा लेता है जिस घर में वो रहता है, और व्यूवर्स वो वहाँ से बेचकर कहीं जाने की प्लानिंग में होता है, लेकिन व्यूवर्स यहाँ पे ज़्यादा उसे पकड़ लेगी, मेरे ख्याल से ऐसा ही होगा। तो व्यूवर्स यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। और व्यूवर्स यहाँ पे जो बिल्लो होती है, व्यूवर्स बिल्लो के रिश्ते की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है बिशारत खालू, और बिल्लो को बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम शादी कर लो, लेकिन व्यूवर्स जो होता है जो बिल्लो होती है व्यूवर्स वो कहती है नहीं मैं शादी नहीं करना चाहती। और व्यूवर्स यहाँ पर बिशारत खालू वजह पूछते हैं क्या बात है, मैं तो शादी करवाने वाली को बुलाना चाह रहा था, लेकिन व्यूवर्स यहाँ पर जो बिल्लो होती है व्यूवर्स वो कहती हैं नहीं मैंने अभी शादी नहीं कर, व्यूवर्स वो कहती है मैं अभी तक पिछली बातें नहीं भूली, यानी कि कैसर वाली बातें नहीं भूली, जो कैसर होता है वो मेरे साथ शादी करना चाहता था लेकिन खुदा किसी को भी मंजूर नहीं था ये। तो व्यूवर्स वो व्यूवर्स मर जाता है, यहाँ तक तो आप लोगों को पता है, इस वजह से बिल्लो शादी नहीं कर रही। और व्यूवर्स यहाँ पर जो होती है व्यूवर्स रुकैया, व्यूवर्स वो फिर भी बैठती है और कहती है कि भाई साहब प्लीज़ 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 यहाँ पे मुझे रिश्ता दे दें बिल्लो का, लेकिन व्यूवर्स जो होती है वो कहते हैं नहीं। और व्यूवर्स यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलने वाला है कि व्यूवर्स रुकैया भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, और व्यूवर्स जितने भी करैक्टर हैं व्यूवर्स वो अपने अपने जगह पे मेन लाइन पे शुरू हो जाते हैं, व्यूवर्स वो अपनी अपनी चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं। और व्यूवर्स यहाँ पे जो होते हैं व्यूवर्स बब्बन खाला, व्यूवर्स वो भी बहुत ज़्यादा उन्हें सदमा लगता है कि बिल्लो क्यों नहीं शादी कर रही, जब उन्हें ये पता चलता है तो व्यूवर्स वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं। और व्यूवर्स यहाँ पे ज़्यादा 100% में से 99% चांसेस हैं कि शायद वो ना माने, लेकिन व्यूवर्स 1% तो है कि व्यूवर्स वो मान जाएगी। और व्यूवर्स यहाँ पे डोली और व्यूवर्स सब लोग मनाने की कोशिश करेंगे। और व्यूवर्स आप लोगों को जैसा कि पता है कि जो भी मर चुकी हैं पिछले एपिसोड्स में सीज़न 1 में, तो व्यूवर्स वो आप लोगों को सीज़न 2 में बिल्कुल ही नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि व्यूवर्स यहाँ पे इंडिया वाला हिसाब नहीं है कि व्यूवर्स वो दूसरी बार पैदा होकर आ जाएगी, ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है यहाँ पे पाकिस्तानी ड्रामों में। तो व्यूवर्स आप लोगों को ये सब एपिसोड्स में ऐसा ही देखने को मिलेगा इस एपिसोड्स में। और व्यूवर्स यहाँ पे आप लोगों को बिल्लो भी कुछ भी नहीं करती, व्यूवर्स वो ज़्यादातर चांसेस मुझे लगते हैं कि गुड्डू के साथ उसकी शादी हो जाएगी और व्यूवर्स वो बतूल को छोड़
पड़ देगा, यहाँ तक हम लोगों को लगता है। तो व्यूवर्स आप लोगों को ये प्रोमो कैसा लगा? तो व्यूवर्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और व्यूवर्स जल्दी ही दूसरी वीडियो आने वाली है, प्रोमो आने वाला है और व्यूवर्स उसका एपिसोड भी आने वाला है। तो व्यूवर्स अगर आप लोगों को ये ऐसी वीडियो अच्छी लगती हैं तो व्यूवर्स लाइक किया करो हमारी वीडियो को, और व्यूवर्स शेयर किया करो हमारी वीडियो को। तो और व्यूवर्स कीमती रहकर इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर किया करो, क्योंकि व्यूवर्स इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, कीमती रहकर इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ओके बाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अल्लाह हाफिज़।